इंदौर में विधानसभा 3 के युवा विधायक आकाश विजयवर्गीय लगातार अपनी विधानसभा में विकास के कार्यों को गति दे रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उन्होंने विधानसभा 3 के अलग अलग वार्डों में करोड़ों रुपए के कार्यों का भूमि पूजन किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। जी हाँ, कोरोना काल के बाद एक बार फिर विधानसभा 3 को युवा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने विधानसभा 3 के विकास कार्यों को गति देना शुरू कर दिया है। शनिवार को उन्होंने विधानसभा 3 के वार्ड 55, 61, 63 और 64 में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। विकास कार्यों की बात करें तो इसमें नर्मदा लाइन, बोरिंग लाइन बिछाने, पेवर ब्लॉक लगाने, सड़क के सीमेंटीकरण, उद्यान के सुंदरीकरण सहित अन्य विकास के कार्यों का भूमि पूजन विधायक आकाश विजयवर्गीय ने किया। उनके द्वारा किए जा रहे इन कार्यों से जहां जनता खुश है, वहीं विधानसभा 3 का तेजी से विकास भी हो रहा है। विधायक आकाश विजयवर्गीय के मुताबिक 100 करोड़ के ऐसे काम हैं जो भूमि पूजन और लोकार्पण के लिए तैयार है। आगामी दिनों में स्कूल और पानी की टंकियों का भूमि पूजन भी किया जाएगा। सीएम से समय मिलने पर 60 करोड़ के कामों का भूमि पूजन उनके हाथों से भी करवाया जाएगा। उन्होंने राजबाड़ा और गोपाल मंदिर का दौरा कर काम में तेजी लाने का प्रयास करने की बात भी कही। देखिए, अभी लगभग हमारे पास 100 करोड़ के ऐसे काम हैं जो भूमि पूजन लोकार्पण के लिए तैयार हैं। कई के टेंडर हो चुके हैं, कार्यादेश होना बाकी, और कई के कार्यादेश हो चुके हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी समय लेने का प्रयास कर रहे हैं, मगर कुछ छोटे छोटे काम ऐसे थे जैसे पानी की लाइन, जो कि क्षेत्र की कई काफ़ी समय से समस्या थी, और इसलिए आज जैसे पानी की लाइन डालना, गार्डन का उन्नयनीकरण, कहीं पे पेवर ब्लॉक्स, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है, कीचड़ कुछ एरियाज़ में हो रहा है तो वहाँ पे पेवर ब्लॉक्स लग जाएं, इस तरह के कुछ कामों का आज हमने रखा है। कुछ अच्छे हम स्कूल्स डेवलप कर रहे हैं, उसका भूमि पूजन इस हफ्ते में रखेंगे, पानी की टंकियों का रखेंगे, और जब मुख्यमंत्री जी समय देंगे तो लगभग 60 करोड़ के कामों का हम उनसे भी भूमि पूजन कराएंगे। तो विधानसभा 3 में मैंने और अपने हमारे सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक एक पल, एक एक कण डेवलपमेंट में जाए, ऐसा हमारा प्रयास था। बीच में कोविड की वजह से थोड़ा सा गाड़ी ऑफ ट्रैक हो गई थी, कोविड में हम लोग सबको लगना पड़ा, कोविड से लड़ने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया उस दौरान। अब वापस से विकास की गाड़ी हमारी ट्रैक पर आ जाए, उसका बहुत ही तेज़ी से प्रयास कर रहे हैं हम लोग। अभी हमने मैराथन बैठ के की थी और सारी चीज़ें हम लाइनअप कर दी। अब पुनः विकास की गति विधानसभा 3 में बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। देखिए, जो हमारी योजना है उसमें स्मार्ट सिटी के भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो हमारा गांधी हॉल हो, गोला छतरी हो, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी तैयार हैं वो भी जनता के लिए खुले हैं, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स जो काफ़ी हद तक तैयार हैं, बस थोड़ा सा उसके कामों में गति आ जाएगी तो वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, राजबाड़ा, गोपाल मंदिर आदि, तो इन सब का भी हम लोग तेज़ी से अब दौरा कर करके ये सुनिश्चित करेंगे कि काम तेज़ी से। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि चुनाव लड़ने के दौरान ही यहां के विकास के प्लान तैयार कर लिए थे। इसके अलावा यहां बिजली का ग्रिड भी लाने की प्लानिंग है ताकि बिजली कटौती ना हो। विधायक ने कहा कि प्रत्येक सप्ताह एक एक वार्ड की माताओं बहनों को पितृपर्वत ले जाने की प्लानिंग है। देखिए, हमने तो बहुत सारे प्लान्स बनाए थे, और अभी नहीं, जब मैं चुनाव लड़ने आया था यहाँ पर तब से बनाए थे कि हर घर में नर्मदा का जल हो। उसके लिए हमने लगभग 5-6 टंकियाँ अपनी विधानसभा में मैंने मेरे आने के बाद स्वीकृत कराई है, जिनका काम चल रहा है। अभी 2 टंकियाँ, एक तो स्नेहलतागंज और एक पालडा में मुख्यमंत्री जी से हम लोग शुभारंभ करा के चालू करवाने वाले हैं। तो ऐसे 6 टंकियाँ तो मेरे आने के बाद हर जगह नर्मदा की पाइपलाइन, ऐसी हमने प्लानिंग की है। ऐसे सड़क, बड़ी बड़ी कई सारी सड़कें, लगभग 100 करोड़ की सड़कों की मैंने प्लानिंग की हुई है, और उसमें से 40% स्वीकृत भी हो गई है, बस काम चालू कराना है। सड़क, बिजली, एक हम लोग बिजली का एक अच्छा ग्रिड हमारी विधानसभा में ला रहे हैं ताकि बिजली कटौती कम से कम हो। सड़क, बिजली, पानी, स्कूलों का उन्नयन हम लोग बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। फिर अच्छी डिस्पेंसरीज, जहाँ डिस्पेंसरीज हैं और मरम्मत की आवश्यकता है उसके मरम्मत हो, और जहाँ नई की आवश्यकता है वहाँ नई डिस्पेंसरी आए। कैंसर हॉस्पिटल के लिए हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, उसके लिए
गार्डन्स अच्छे डेवलप हों, हर जगह जहाँ रोड बना हुआ है पेवर नहीं हो पेवर लग जाएं, इस तरह से कई सारे हमने प्लान्स बनाए हैं। बस अब फॉलो अप करके एक एक को एग्जीक्यूट कराना है। और कई सारी टेंडर लग चुके हैं, वर्क ऑर्डर जारी हो गए हैं, कई सारे चालू करवाना है तेजी, मतलब अब डेवलपमेंट पे ही हमारा फोकस है। और हमें विश्वास है कि विधानसभा 3 विकास के मामले में पूरे प्रदेश में नंबर 1 रहे, ऐसा हमारा प्रयास है और ऐसा हमारा विश्वास है कि इसमें हम सफल भी होंगे। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि माताएं बहनें अभी बहुत कोविड काल में घर से निकलने का अवसर कम मिला, अभी बच्चों की भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उनकी भी चिंता, अपने पति परमेश्वर और पूरे परिवार की चिंता घर से घर में रह के माताओं बहनों ने की। तो अब हमारे मन की इच्छा थी कि माताओं बहनों को भी कहीं घुमाने फिराने का अवसर दें। और अभी तो इंदौर में नंबर 1 जो डेस्टिनेशन टूरिस्ट के हिसाब से है वो पितृ पर्वत है। तो हमने तय किया है कि हर वीक में एक वार्ड की माताओं बहनों को हम पितृ पर्वत ले जाएंगे, उनका नाश्ता भोजन आदि व्यवस्थाएँ जैसा भी बन पड़ेगी वो करेंगे और सकुशल वो घर आ जाएं समय रहते, इसका प्रयास। तो एक बहुत ही सुंदर हम लोगों ने माताओं बहनों के लिए दौरा भी प्लान किया है। देखा जाए तो युवा विधायक आकाश विजयवर्गीय के प्रयासों से विधानसभा 3 विकास की राह पर लगातार अग्रसर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।